कभी आप विदेश घूमने गए हैं? दरअसल अब तक तो मैं भी नहीं गया हूँ, लेकिन कभी अगर आप विदेश घूमना चाहें, भारत से बाहर किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहें, तो सबसे पहले आपको भारतीय पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। आप दुनिया के किसी भी देश के अगर नागरिक हैं, तो किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए पहले आपको सबसे पहले अपने देश का पासपोर्ट बनवाना होता है। भारत का जो पासपोर्ट होता है वो गाढ़े नीले कलर में होता है। वैसे दुनिया में जितने भी पासपोर्ट बनते हैं उनमें सिर्फ चार रंग होते हैं, लाल, हरा, नीला और काला। लेकिन ये सिर्फ चार रंग ही क्यों होते हैं? नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आज बात पासपोर्ट के रंग की, कि आखिर क्यों दुनिया में सिर्फ चार रंगों में ही पासपोर्ट बनाए जाते हैं। सबसे पहले बात लाल रंग के पासपोर्ट की। जिन देशों का इतिहास साम्यवादी होता है या फिर वहाँ अब भी साम्यवादी व्यवस्था ही चल रही है, वहाँ के पासपोर्ट का रंग लाल होता है। चीन, सर्बिया, रूस, स्लोवेनिया, लातविया, रोमानिया, पोलैंड और जॉर्जिया में लाल रंग के पासपोर्ट का इस्तेमाल होता है। साथ ही यूरोपीय यूनियन के सदस्य भी लाल रंग के पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तुर्की, अल्बानिया, मकदूनिया ने भी कुछ समय पहले ही लाल रंग के पासपोर्ट को अपनाया। साथ ही बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू जैसे देशों में भी लाल रंग के पासपोर्ट का इस्तेमाल होता है। अमेरिका से लेकर इंडिया तक कई ऐसे देश हैं जो अपने पासपोर्ट का रंग नीला पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नीला रंग नई दुनिया का प्रतीक है और जो देश नई दुनिया का समर्थन करते हैं उस देश के पासपोर्ट के कवर का रंग नीला होता है। दुनिया भर में ऐसे 15 कैरेबियाई देश हैं जिनके पासपोर्ट का रंग नीला है। ब्राजील, अर्जेंटीना और पेरेग्वे के पासपोर्ट का रंग भी नीला है। इस लिस्ट में वेनेजुएला एक अपवाद है क्योंकि वहाँ पर लाल रंग का प्रयोग होता है। 1976 में अमेरिका ने पासपोर्ट के लिए नीले रंग को अपनाया था। ज्यादातर मुस्लिम देशों में हरे रंग के पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मोरक्को, सऊदी अरब और पाकिस्तान में पासपोर्ट का रंग हरा है। मुस्लिमों का मानना है कि हरा रंग पैगंबर मोहम्मद का पसंदीदा रंग है, इसलिए मुस्लिम देश हरे रंग को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। कई पश्चिम अफ्रीकी देशों जैसे बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर, आइवरी कोस्ट और सिनेगल में भी पासपोर्ट हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है। इन देशों का मानना है कि हरा रंग इकोवास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, यानी कि पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से उनके संबंध का प्रतीक है। पासपोर्ट के लिए काले रंग का इस्तेमाल बहुत कम देश करते हैं। कुछ अफ्रीकी देशों जैसे बोत्सवाना, जाम्बिया, बुरुंडी, गैबन, अंगोला, कांगो और मलावी जैसे देश काले रंग के पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। न्यूजीलैंड के नागरिकों के पास भी काले रंग का पासपोर्ट होता है क्योंकि यह उनका राष्ट्रीय रंग है। दुनिया के किस हिस्से में किस रंग के पासपोर्ट का इस्तेमाल होता है वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि दुनिया के अधिकतर देश अपने राजनयिकों, सरकार और शासन से जुड़े अधिकारियों के लिए अलग रंग के पासपोर्ट जारी करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पासपोर्ट के रंग से उस व्यक्ति और उसकी महत्ता को आसानी से पहचाना जा सके। अपने देश यानी कि भारत में पासपोर्ट की तीन श्रेणियां हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिसका रंग मरून होता है, ऑफिशियल पासपोर्ट जिसका रंग सफेद होता है और रेगुलर पासपोर्ट जिसका प्रयोग आम लोग करते हैं, हम और आप करते हैं, जिसका रंग नीला होता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आलोचना भी कर सकते हैं। अच्छा लगा तो शेयर करिए, दोस्तों को बताइए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।